नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चुंदेल। यूपी के चंदौली में 5 दिसंबर दोपहर समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभु नारायण यादव और डिप्टी एसपी अनुरोध सिंह की झड़प हो गई। इस दौरान विधायक के समर्थकों ने धक्का मुक्की और हाथापाई शुरू कर दी, तो डिप्टी एसपी अनुरोध ने हड़काते हुए मामले को काबू में किया। आपको बता दें, ये वही डिप्टी एसपी हैं जिनकी पहचान सिंगम और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में बनी है। इन्होंने 2007 में यूपी के 1 लाख के इनामी नक्सली संजय कोल का एनकाउंटर किया था, उसके बाद से ही ये सुर्खियों में आए थे। दरअसल चंदौली के रामगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम था और सपा विधायक प्रभु नारायण यादव के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता अपनी समस्याओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान सपा कार्यकर्ता पुलिस के साथ हाथापाई और धक्का मुक्की करने लगे। सपा कार्यकर्ताओं को काबू में करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। सकड़िलिया सर्किल के डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह के साथ समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभु नारायण यादव ने न सिर्फ धक्का मुक्की की बल्कि उनके सिर में कई बार टक्कर भी मारी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। यही नहीं, ट्विटर पर डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह के सपोर्ट में ज़बरदस्त तरीके से अभियान भी शुरू हो गया। आलम यह था कि कुछ ही देर में हैशटैग आई सपोर्ट कॉप अनिरुद्ध ट्रेंड करने लगा। लोग डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह के सपोर्ट में खड़े हो गए। आपको बता दें, अनिरुद्ध सिंह उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के रहने वाले हैं। इनकी पढ़ाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुई है और 2001 में इन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी ज्वाइन की और सब इंस्पेक्टर बने। उनकी पहली पोस्टिंग वाराणसी में थी, इसके बाद वाराणसी, जौनपुर, चंदौली सहित कई जिलों में नौकरी की। अनिरुद्ध सिंह को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में भी जाना जाता है। अनिरुद्ध सिंह ने पुलिस महकमे में अपनी पहचान सिंगम के रूप में बनाई है। उन्होंने पुलिस में नौकरी के साथ साथ फिल्मों और वेब सीरीज में भी काम किया। अनिरुद्ध के फिल्म में काम करने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। दरअसल वाराणसी कैंट में पोस्टिंग के दौरान गन्स ऑफ बनारस फिल्म की शूटिंग चल रही थी और शूटिंग देखने आए लोगों की काफ़ी भीड़ जमा थी, जो बेकाबू हो रही थी। इसी दौरान इंस्पेक्टर अनिरुद्ध सिंह वहाँ पहुँचे और भीड़ को काबू में किया। फिल्मी हीरो जैसे लुक वाले इस पुलिस ऑफिसर को देखकर वहां मौजूद फिल्म के निदेशक शेखर सूरी ने अनिरुद्ध से इस फिल्म में पुलिस ऑफिसर का रोल निभाने को लेकर काफ़ी अनुरोध किया, तो अपने अधिकारियों से इजाज़त लेकर अनिरुद्ध ने इस फिल्म में पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई। इस फिल्म के बाद अनिरुद्ध सिंह के साउथ की एक फिल्म डॉक्टर चक्रवर्ती में भी पुलिस ऑफिसर का रोल अदा किया है। साथ ही वेब सीरीज दी रेड लैंड में भी एक्टिंग की। अभी कुछ दिन पहले ही अनिरुद्ध सिंह का ट्रांसफ़र चंदौली हुआ था और इन्हें सकड़िया सर्किल की जिम्मेदारी दी गई। डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह की कल सपा विधायक प्रभु नारायण यादव से झड़प हुई थी। इस मामले में प्रभु नारायण यादव और सपा नेता संतोष यादव सहित 100 से 150 अज्ञात सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बन रही है वन इंडिया हिंदी के साथ।